अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जे एन न्यूज़ एच डी के साथ मैं हूं नायला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। अरसलान सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर 4 अगस्त यौम शुहदा पुलिस शुहदाए पुलिस को सलाम। बहावलपुर पुलिस की तरफ से पुलिस शुहदा को खिराज अकीदा पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास के हमरा यादगार शुहदा पर हाजिरी दी। यादगार शुहदा पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आरपी राय बाबर सईद ने यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। बाद मेन ऑडिटोरियम हॉल में एक पर्वेकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शुहदा के वरसा ने खसूस शिरकत की। डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास ने शुहदा फैमिलीज और मेहमानों को वेलकम किया। तकरीब में रीजनल पुलिस ऑफिसर भावलपुर राय बाबर सईद, डीपीओ भावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास, डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा, सीनियर आर्मी अफसरान, रीजनल ऑफिसर सीटीडी शमसुद्दीन और ओ स्पेशल ब्रांच आबिद वड़ैस की शिरकत। तकरीब में प्रिंसिपल कायद आजम मेडिकल कॉलेज, डायरेक्टर एंटी करप्शन भावलपुर, वकला बरादरी और अंजुमन ताजरान के रहनुमाओं की भी शिरकत। मेहमानों ने अपने अपने ख्याल का इजहार किया और शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। शुहदा की फैमिलीज़ में कैश इनामात और गिफ्ट पार्सल तकसीम किए गए। आरपीओ डीपीओ ने फौरन तमाम फैमिली से उनके वसाइल भी दरियाफ्त किए और मौके पर ही हल्के अहकाम जारी किए। शुहदा की फैमिलीज़ के एजाज़ में पुरवकार जहराना दिया गया। शुहदा ने हमारे रोशन कल की खातिर अपना आज कुर्बान कर दिया। आरपीओ राय बाबर सईद, शुहदा की लासवाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। पंजाब पुलिस के 1500 से ज्यादा शुहदा हैं। रेजन भावलपुर में 85 जवानों ने अपने जवान जानों का नजराना पेश किया। मैं उन माओं को सलाम पेश करता जिन्होंने फर्ज की खातिर इस कौम की खातिर अपने लख्त जिगर कुर्बान किए। शुहदा के लवाहिकीन हमारी अपनी फैमिलीज हैं, उनका ख्याल रखना और उनकी किफालत करना महकमा पुलिस की जिम्मेदारी है। डीपीओ भावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बा।